Hello 10th standard. Today in this video we will be doing a second poem from our English literature textbook, that is Fire and Ice. We already finished Dust of Snow. Even I gave you question answers to write in notebook, and we already finished this lesson, A Letter to God. I hope you people have completed writing work in your notebook. Now, the third poem, that is Fire and Ice. Fire and Ice, आग और बर्फ, दो ऐसी चीज़ें हैं जो पूरी दुनिया को ईजीली ख़त्म कर सकती है. Fire and Ice are two such things which can completely destroy the world immediately. Okay. Now, but this poem is symbolizing very strong meaning behind it. Fire means desire, ichha, or we can tell ichhae, people's willing. Okay, people, logo ka jo koi bhi cheez hasil karne ka jo tarika hai wo. And ice means it is coldness and indifferences. That is, eyes जो है वो नफ़रत, indifferences in human relationship को signify करता है. Okay, see, ये दो ऐसी चीज़ें हैं. इंसान अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है. you might have seen Crime Patrol and so many such reality shows. ऐसे सारे शोज़ आते हैं जिसमें दिखाया जाता है कि अपने ही अपनों के दुश्मन बन जाते हैं. अब अपने ही अपनों के दुश्मन क्यों बनते हैं? क्योंकि उनकी कुछ इच्छाएं ऐसी होती हैं जो उनको पूरी करनी होती हैं और अपने उनके रास्ते में आ जाते हैं. सो दे इवन ट्राई टू फिनिश दोज क्लोज रिलेशंस ऑल्सो. सो उसी तरह से अगर सभी लोग अपनी इच्छाएँ पूरी करने जाएँ तो पूरी दुनिया में आग जैसे ये बीमारी फैल जाएगी और पूरी दुनिया एक दूसरे को ही मारने लगेगी, जान से मारने लगेगी, सो दैट दे कैन फुलफिल देयर ओन डिज़ायर. ओके, नाउ सम सेज द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस. फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर. सी, कुछ कहते हैं कि दुनिया आग में समाप्त हो जाएगी. ओके, और कुछ कहते हैं बर्फ में. जो कुछ मैंने इच्छा को चाहा है, मैं मानता हूँ कि पहले वाले व्यक्ति ठीक है जो आग के पक्ष लेते हैं. सी, कवि उन लोगों के फेवर में है, दोज हु आर इन फेवर ऑफ फायर. क्यों? क्योंकि ज़्यादातर आजकल लोग अपनी इच्छा पूरी करने के लिए मतलबी हो रहे हैं, और मतलबी होना मतलब वो अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए दूसरों का किसी भी तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं. यस और नो, पीपल आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ अदर्स इन एनी वे, राइट? सो पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज़ ऑल्सो इन फेवर ऑफ फायर, दैट हो सकता है फायर के साथ ये पूरी दुनिया ख़त्म हो. बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन अगर इसे दो बार नष्ट होना है, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट. तो मुझे लगता है कि ये कहना काफ़ी होगा कि घृणा, दैट इज नफ़रत, जो लोगों के दिलों में एक दूसरे के लिए नफ़रत होगी ना, वो इंसान को मार सकती है, दो बार ख़त्म कर सकती है. ओके, लेट अस रीड इट अगेन. बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइज आई ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस. सफाइस मतलब सफिशियंट. ओके, अब ये देखें तो यदि इसने दो बार नष्ट होना है, दैट इज़ अगर धरती ने दो बार नष्ट होना है, तो मैं सोचता हूँ कि मैं ये कहने के लिए काफ़ी घृणा जानता हूँ कि विनाश के लिए बर्फ भी महान है, वो भी काफ़ी है. सी, इन फर्स्ट पैराग्राफ
poet is in favor of fire, but in second paragraph he is even in favor of hate. नफ़रत भी लोगों को एक दूसरे से दूर करके इधर मतलब पूरा रिश्ते नाते सब कुछ ख़त्म कर सकती है, और वो पूरी तरह से यही काफ़ी है, नफ़रत ही एक दूसरे से दूर ले जाएगी और एक दूसरे को ख़त्म करने के लिए आइज भी करेक्ट वर्ड यूज़ कर सकते हैं कि ख़त्म करने के लिए. ओके, टू completely destroy the world, these two things. In first paragraph poet is in favor of fire, and in second paragraph poet is in favor of eyes. Ke nuclear weapons and nuclear barood se bhi zyada ye do cheeze hain jo matlab logon ko jaldi se jaldi khatam kar degi. Itna zyada khatam, itni zyada fast to न्यूक्लियर वेपन्स भी नहीं करेंगे जितना फास्ट ये दो चीज़ें, दैट इज़ इच्छाएं और नफ़रत, लोगों को एक दूसरे से दूर और ख़त्म करेंगी. ओके, सो दिस इज़ अ स्मॉल पोएम. यू सिंपली हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट फायर सिग्निफाइज इन दिस एंड व्हाट आईज टेल्स अबाउट. सो वंस यू अंडरस्टैंड दीज टू मीनिंग्स, यू कैन गो विद योर अदर टॉपिक्स, other question answers and all also. Okay, now you have two meanings written here. One is of perish matlab die, finish, and suffice, that is sufficient. Okay, now there are many ideas about how would the world will end. Do you think the world will end someday? Have you ever thought what would happen if the sun got so hot that it burst and grew colder and colder? So the question is, क्या आपको लगता है कि कभी ये दुनिया ख़त्म होगी? और कभी आपने ये सोचा है कि अगर by chance ऐसा हो कि सूरज इतना ज़्यादा गर्म हो जाए कि वो burst हो जाए, वो ख़त्म हो जाए, और अगर वो ख़त्म हो गया तो फिर कोल्डर ही कोल्डर रहेगा, हॉट और हीटनेस तो रहेगी ही नहीं. येस और नो? सो द क्वेश्चन इज दिस एंड आंसर ऑफ दिस आई विल इवन पुट पिक्चर्स ऑफ आंसर्स एज वेल, बट आई एम रीडिंग आंसर्स ऑल्सो. ओके, आई थिंक इट वुड एंड सम डे. येस, मुझे लगता है कि दुनिया एक ना एक दिन ख़त्म हो ही जाएगी, बट नो वन कैन से वेन दैट डे विल कम. बट ये कोई नहीं बोल सकता कि दुनिया ख़त्म कब होगी. येस, आई हैव थॉट अबाउट इट. हाँ, मेरा एक विचार है इसके लिए. इफ़ द सन गॉट हॉट इट विल बर्न एवरीथिंग. अगर सूरज बहुत गर्म हुआ तो वो सब कुछ जला देगा. इफ़ इट ग्रू कोल्डर, और अगर सूरज ने बिल्कुल छोड़ दी और वो मतलब कोल्ड होने लगा तो भी सब लोग मर जाएंगे. ओके, सो पीपल विल डाई इन दैट केस ऑल्सो. ओके, योर सेकेंड इज फॉर फ्रॉस्ट व्हाट डू द फायर एंड आइस स्टैंड फॉर. हेयर आर सम आइडियाज. सी, यू सिंपली हैव टू राइट, इफ यू सी दिस क्लियरली, ग्रीड इज रिटन ऑन ग्रीड एफ. एफ मतलब फायर, लालच. ओके, फायर और आइस के हमने हमारी पोयम में दो मीनिंग देखे हैं. एक है डिज़ायर और दूसरा आइस का मीनिंग देखा है कोल्डनेस, इंडिफरेंसेस, राइट, एंड हेट, नफ़रत. ओके, तो ये मीनिंग्स के साथ साथ और भी कई मीनिंग्स बनते हैं. दैट इज़ वी हैव सो मैनी सिनोनिम्स इन इंग्लिश लैंग्वेज. काफ़ी सारे समानार्थी होते हैं. तो उसी तरह से now you have to write on the top of each what these words tells us. See, the first one is greed. You can write on the top F, that is greed significance, greed tells us about fire. Okay, then avarice also tells us about fire. F, cruelty tells us I, lust tells us F, conflict F, furry F, intolerance F,
रिजिडिटी एफ, इनसेंसिटिविटी आई, कोल्डनेस आई, इंडिफरेंस आई, हेट्रेड एफ. अंडरस्टूड? देन व्हाट इज द राइम स्कीम्स ऑफ द पोयम, हाउ डज इट हेल्प इन bringing out the contrast idea of the poem. Okay, what is the rhyme scheme of the poem? Okay, so your third answer is here the rhyme scheme of the poem is a b a a b c b c b. That is, it helps in bringing out the contrasting idea by separating them. Different ideas symbolize fire and ice. They are given different rhyme scheme in both the sentences. दोनों sentences में कुछ अलग से ही बताया गया है. First stanza में सिर्फ fire के बारे में discuss किया गया है. And in second sentence, they only discussed about ice. Okay? So these three questions, but along these three questions, I want you all to write these more three questions for this poem. That is, what do the people say about the ending of the world? What is the poet's stand? Poet किसके हक में है? Fire के हक में या ice के हक में? How will the world end twice? World दो बार ख़त्म कैसे होगा? And what's the deeper meaning given in the poem? गहराई का मीनिंग क्या है पोयम में जो दिया गया है? ओके, दीज थ्री क्वेश्चंस योर एक्सरसाइज क्वेश्चंस, ऑल सिक्स क्वेश्चंस यू हैव टू राइट. एंड अनदर थिंग, टू क्वेश्चंस आर हेयर, यू हैव टू राइट दीज टू क्वेश्चंस, बट बोथ द क्वेश्चंस यू हैव टू राइट विद पेंसिल. ओके, दोनों क्वेश्चंस आपको पेंसिल के साथ लिखने हैं. If you understand the poem, you will definitely able to write answer of these two questions. Okay? That is, what do the people say about the world? What does the poet say about it? What does the poet actually want to say in this poem and how? Okay? So these two questions you have to write. I can tell you people that you can write these questions. You can write these questions maybe with almost 80 to 100 words. Okay, try to write these questions of 80 to 100 words. Okay everyone, so these two things, I will even paste pictures also in our app so that you can, from those pictures, you can copy down these questions and answers in your notebook for this story Fire and Ice. Okay everyone, so see that you prepare well and complete your writing part of English, this poem Fire and Ice. After this poem, next video of English will be second lesson of supplement. Okay, so see that you people go through these all lessons regularly and study well, as within few days you all have to give test for particular subjects. Okay, so study well, stay at home and take care of yourself. Okay, bye bye.